नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं टॉप 5 न्यूज। उत्तराखंड में फिर खुला बद्रीनाथ हाईवे, गुजरात महाराष्ट्र में बारिश से बुरा हाल। देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया है। दिल्ली यूपी से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक जमकर बारिश हो रही है। बता दें कि बारिश का असर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के कारण चमोली में छिनका के पास भूस्खलन होने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसे खुलवाने का कार्य अभी जारी है। चूहिंग गगम का सवाल। शुरुआत में महाराष्ट्र की सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा पर सुप्रिया सुले का फडणवीस पर पलटवार। शिवसेना और भाजपा के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में रस्साकसी का खेल लगातार जारी है। बता दें कि कभी एक साथ सरकार चलाने वाली भाजपा और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता आज के समय एक दूसरे के खिलाफ जमकर राजनीतिक टिप्पणी करते हैं। वीरेंद्र सिंह नहीं देंगे अपना इस्तीफा, फाड़ दी इस्तीफे वाली चिट्ठी। मणिपुर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो गई थी कि वे अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, लेकिन भारी संख्या में लोग उनके समर्थन में उतरे, जिसके बाद इस्तीफे की अफवाहों पर अब विराम लग गया है। सीएम वीरेंद्र सिंह ने खुद इन अटकलों को खारिज करते हुए एक ट्वीट किया है। सीएम ने कहा कि मैं इस कठिन समय में इस्तीफा नहीं दूंगा और लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। फ्रांस में अब तक 800 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी नहीं थम रही, आगजनी और गोलाबारी। फ्रांस में 17 वर्षीय लड़के की मौत के बाद यहां पर हिंसा लगातार जारी है, यहां तक कि खुद यहां के प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक की, लेकिन इस बैठक के बाद भी इसका कोई हल नहीं निकल सका, जिसके बाद अब लगातार चौथे दिन भी अशांति और दंगे जैसे हालात बने हुए। मंगलवार को पेरिस उपनगर में पुलिस गोलाबारी में एक किशोर की मौत के बाद स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के कारण फ्रांसीसी कैरेबियाई क्षेत्रों में तनाव फैल गया है। बस के अंदर जलकर राख हो गए यात्री, लाशें देख के हिले फायर कर्मी, अब डीएनए से होगी पहचान। महाराष्ट्र के बुलढाणा में हुआ बस हादसा, जिसने भी देखा वह अंदर से हिल गया, कोई उल्टियां करने लगा तो कोई घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया। दरअसल बस के अंदर से जली लाशें जब बाहर निकालकर हाईवे पर एक लाइन में रखी गई तो दृश्य बड़ा ही भयानक था। कुछ आधी जली थी तो कुछ कोई पूरी तरह से जल गई थी, किसी बॉडी पर केवल राख थी तो किसी का केवल कंकाल दिख रहा था। कुल मिलाकर ये पहचान में नहीं आ रहा था कि ये 26 लाशें किसकी है। अब डीएनए से इनकी पहचान की जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।